हाय नमस्कार, मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हम सबके चहीते डायरेक्ट डायलिन शो में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ब्लड इन्फेक्शन के विषय पर। क्या है इसके लक्षण, क्या होते हैं इसके पीछे छिपे हुए कारण, और आयुर्वेद में इसके लिए कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं। ऐसी ही कुछ बातों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित होंगे विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान भारत के एक जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं। आपने आयुर्वेद का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है और वो थ्योरीज, वो आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स को चलन में लाए हैं जो कहीं विलुप्त होते जा रहे थे। आप क्लासिकल आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं और पूरे विश्व में आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली को प्रचारित कर रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। आपने अपनी संस्था जीवा आयुर्वेद के जरिए हर व्यक्ति से जुड़ने का अभियान शुरू किया है। आपका उद्देश्य है घर घर आयुर्वेद, जन जन आयुर्वेद। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपके लिए हम लेकर आए हैं एक स्पेशल कॉन्टेस्ट जिसका नाम है जीवा हेल्थ कॉन्टेस्ट। ध्यान से देखिए हमारा ये एपिसोड, क्योंकि इसके अंत में हम आपसे पूछने जा रहे हैं एक सवाल जिसका जवाब इसी एपिसोड में छुपा हुआ है, और सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेता को मिलेगा जीवा आयुर्वेद की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। फिलहाल अगर आप सीधे वार्तालाप करना चाहते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान जी के साथ, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन दीज नंबर्स फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। डॉक्टर साहब जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ब्लड इन्फेक्शन का आयुर्वेद में किस प्रकार से वर्णन किया गया है। आयुर्वेद के अंदर रक्त को एक धातु माना गया है, और धातु केवल एक टिश्यू नहीं होती। धातु एक और विस्तृत, हम कहें तो एक शब्द है जो शरीर को धारण करने का रोल, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। 7 प्रकार के धातु आयुर्वेद में वर्णित हैं, उनमें से रक्त एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है, रक्त जो है, वो हमारे एक एक कोशिका तक पहुंचता है, और क्या पहुंचाता है वहां पर? वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाता है, जो कि एक प्राण वायु हम उसको कहते हैं। जीवित रहने के लिए, हर कोशिका को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और दूसरा वहाँ पर पोषण यानी कि न्यूट्रिशन भी रक्त पहुँचाता है। और यही नहीं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनमें जो जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, उनको कलेक्ट करके वापस फिर जो है शरीर से बाहर निकालने का काम भी रक्त ही करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें किसी प्रकार का दोष आ जाए, दूषित वो हो जाए, इन्फेक्शन वहाँ आ जाए, तो फिर कुछ भयंकर समस्याएं हो जाती हैं। कई बारी हम लोगों को इसका मालूम नहीं होता, और अच्छी बात यह है कि हम आपके लिए ना केवल डिजीज़ कोई नाम लेकर के भाई, जैसे कि अर्थराइटिस है या फिर एसिडिटी है या फिर डायबिटीज़ है, ये तो हम लाते ही आपके लिए, लेकिन ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनका कुछ विशेष इतना प्रचार नहीं है, नाम आपने इतने नहीं सुने होंगे, लेकिन जानलेवा साबित हो सकते हैं, खतरनाक साबित हो सकते हैं, तो इनके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और यही कारण है कि हम आपको ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी कुछ थोड़ा सा जो है बस विस्तार से बताते हैं, आज भी बताएंगे। ध्यान से सुनिए, और ऑफकोर्स जितना आप ध्यान से सुनेंगे तो आप जो है, हमारा जो प्रश्न लास्ट में आता है आपको मालूम है, उसका उत्तर देने में आपको आसानी रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे कॉलर भी लाइन पर हैं। जी नमस्ते जी, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। जी मैडम जी, अपना शुभ नाम बताइए प्लीज, और कहां से बोल रहे हैं आप? मैं शिव ओम तिवारी इलाहाबाद से बोल रहा हूं। हां तिवारी जी, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल स्वस्थ हूं सर। बताइए, आपकी चल रही है? अच्छा, क्या तकलीफ है आपको? सर हमको एंकलाइजिंग स्पंडलाइटिस है। अच्छा, कितना पुराना है रोग? सर ये हमको तो करीब 1-1.5 साल पहले से पीठ में दर्द से शुरुआत हुई थी। अच्छा, तो अब मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं, तो मैं ऐसे ही सोचा कि ऐसे होता था, रात में होता था दर्द सोने के दौरान, करीब रात के उत्तरार्ध में। जी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो दर्द शिफ्ट होते होते जो है मेरे कमर में आ गया। अच्छा, कमर से फिर शिफ्ट होकर के नीचे जो है हिप्स में चला गया, कूल्हों में। जी। और फिर मेरे लिए मतलब बहुत दिक्कत हो गई, मुझे चलना फिरना, और लेट जाऊं तो करवट नहीं ले पाता था।
और उसके बाद फिर हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया होम्योपैथ में जी, और एलोपैथ में भी मैंने दिखाया जो है मतलब उनको आर्थोपेडिक को जी जी। फिर मैंने सर जो है जीवा आयुर्वेद के बारे में, मेरे बड़े भाई साहब हैं आपके यहाँ से दवा उनके यहाँ भी जाती है। अच्छा। हाँ, तो वो कानपुर में रहते हैं, तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि एक बार ऐसा करो जो है जीवा आयुर्वेद में फोन कर लो जी, और हो सकता है वहाँ से तुमको दवा मिल जाए, तुम्हें फायदा करे। तो मैंने फोन किया सर, तो सारी समस्याएं हमने बताई, डॉक्टर शर्मिष्ठा जी जो है मतलब बात करती हैं हमसे जी जी जी, तो उनको मैंने सारी समस्याएं अपनी बताई, तो उन्होंने उसी के आधार पर जो है हमें दवाएं भेजी। अच्छा। और सर ये शायद चौथा महीना है मैं दवा कर रहा हूँ वहाँ से। अच्छा, कैसा फील कर रहे हैं अभी? मुझे आराम है सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो रोग आपको है वो एक तरह से लाइलाज रोग है। हाँ सर। और चौथे महीने में आपको रिलीफ आ रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं तो आपको ये भी निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा पंचकर्म का भी प्लान बना करके आइए हमारे यहाँ पर, क्योंकि पंचकर्म से जो है इस रोग में हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। और ये काम जो है जब आप जैसे लोगों से हम सुनते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ता है, और हमें ऐसा लगता है कि एक दिन हम पूरे विश्व में इसको स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये चीज़ शेयर की हमारे साथ। जी सर। ओके सर, नमस्ते सर। थैंक यू तिवारी जी, धन्यवाद, नमस्कार। आपको भी धन्यवाद मैडम जी। ओके। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं जीवा आयुर्वेद के साथ, डायल कीजिए हमारा सेहत का नंबर। सेहत का नंबर है 01294040404। अगर आप चाहते हैं अपने किसी भी हेल्थ इशू पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पर्सनल अटेंशन, तो जुड़िए जीवा आयुर्वेद से, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम आपकी समस्या को व्यक्तिगत रूप से सुनेंगे और निदान के उपाय बताएंगे। डायल कीजिए अपनी सेहत का नंबर 01294040404। दोस्तों, खास आप लोगों के लिए हमने बनाई है एक नई ऐप, द जीवा हेल्थ ऐप। इसे आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और पा सकते हैं एनीवेयर एनी टाइम आयुर्वेदिक टिप्स, रेसिपीज, अच्छे आर्टिकल्स और बहुत सारे वीडियो इन्फॉर्मेशन भी। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन हम लौटेंगे बहुत जल्द। डोंट गो एनीवेयर।